हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लाई हाई। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जब कोई डिजिट 100 से कम या ज़्यादा होती है। आज हम डिस्कस करेंगे अगर कोई भी हम रैंडम नंबर ले लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। मान लीजिए हमने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, 4321 ले लिया। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, पहले हम यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 हमारा 3 हो जाएगा, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा काम होगा, ये यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, क्रॉस प्लस या क्रॉस माइनस करते थे, यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 6, 4 1 4। अब इसे हमें ऐड कर लेना है, 6 4 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 आया है, लेकिन इसके जो दो डिजिट आई हैं तो हम इसके एक डिजिट यहाँ लिख लेंगे 0, और ये जो आया है 1, ये यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 + 1 कैरी 9। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 903। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। मान लीजिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, एक छोटा ले लेते हैं 22 ले लिया, और एक बड़ा ले लेते हैं 53 ले लिया। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 2 6, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 10, 3 2 6, इसको ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 16। 16 का 6 हम यहाँ लिख देंगे, और ये जो कैरी है ये यहाँ आ जाएगा +1, 5 2 10 +1 11, हमारा आंसर क्या आ गया, 1 1 6 6। चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ले लिया 48 22, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 16, कैरी 1 आ गया हमारा, फिर 4 2 8, और 8 2 16, और ये 1 कैरी जो आया था इसे भी हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 1 9, 9 6 15, कैरी 1 2, यहाँ पे 5 लिख लेंगे ये वाला, और ये जो कैरी है ये यहाँ पे आ जाएगा, 4 2 8 +2 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 0 5 6। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ले लिया 46 23, 6 3 18, कैरी 1, सॉरी हाँ 6 3 18, कैरी 1 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 4 3 12, और कैरी 1, 12 12 24, +1 25, 5 हम यहाँ पे ले आएंगे, और ये 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो 4 2 8, 8 + 2 10, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18, 18 का 8, अगर सिंगल डिजिट आती है तो हम पूरा लिख देंगे, अगर कैरी आ जाता है तो हम यहाँ पे एक कैरी लगा देंगे, उसके बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 12, 4 3 12, +1 25 हो जाएगा, 25 में ये आया, फिर 5 हम यहाँ लिख देंगे, और 2 कैरी यहाँ पे लगा देंगे, 4 2 8, +2 10 हो जाएगा। इस तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ा क्वेश्चन ले, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, एक छोटा ले लेते हैं। अब ले लेते हैं 59 16, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 9 6 54, कैरी 5, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 1 9, 5 6 30, और ये 5 भी ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14, कैरी 1 4 44 आ गया, इसका 4 हम यहाँ लिख देंगे, और ये 4 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो 5 1 5, 5 + 4 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि अगर कोई भी 100 से कम या ज़्यादा नंबर होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, और इस वीडियो में हमने क्या, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया और उसका मल्टीप्लिकेशन आसानी से 3 स्टेप्स में कर लिया। तो अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।